आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर, दावणगेरे में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। ये महज विजय संकल्प रैली नहीं, ये विजय महोत्सव है। कर्नाटक में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। बीजेपी को जनता का समर्थन लगातार मिल रहा है। हर बूथ पर जीत का संकल्प लेना है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। बीजेपी में कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। चार विजय संकल्प यात्राओं का महासंगम हो रहा है। कांग्रेस के एक नेता अपने कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का आनंद ले रही, ऐसा नेता जनता का क्या सम्मान करेगा। जुलाई में होगा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन। संसद में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने घोषणा की, गोवा में SCOFM की बैठक में भाग लेगा चीन। शिखर सम्मेलन से पहले भारत करेगा मेजबानी। समूह की कई मंत्री स्तरीय बैठकों की मेजबानी करेगा भारत। 27 से 29 अप्रैल तक दिल्ली में होगी रक्षा मंत्रियों की बैठक। 4 मई से 5 मई तक गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। 29 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद केरल को सबसे ज्यादा पासपोर्ट। केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब टॉप 5 राज्यों में शामिल। केरल में 23,69,727 लोगों ने पासपोर्ट बनवाए। महाराष्ट्र में 19,86,829 लोगों ने पासपोर्ट बनवाए। उत्तर प्रदेश में 17,40,522 लोगों ने पासपोर्ट बनवाए, तो पंजाब में 15,13,519 लोगों ने पासपोर्ट बनवाए हैं। विदेश मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। मुंबई में होगी पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक। 28 से 30 मार्च तक TIWG की बैठक होगी। 100 से अधिक प्रतिनिधि विचार विमर्श में शामिल होंगे। ताज लैंड्स एंड मुंबई में ट्रेड फाइनेंस पर सेमिनार होगा। 29 मार्च को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल TIWG की बैठक का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। बस्तर में CRPF के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमित शाह ने स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। गृहमंत्री ने CRPF के साहस को नमन किया। कहा, देश के आंतरिक सुरक्षा में CRPF का योगदान अहम है। CRPF ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास पहुंचाया है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा। सरकार का एक साल होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने एक साल की उपलब्धियों को लेकर बधाई दी और कहा, सबका साथ सबका विकास ही भाजपा का मकसद है। पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। समन्वय और सहयोग से सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। 6 साल यूपी के लिए अहम है। हमने सरकार का काम जन जन तक पहुँचाया, जाति से हटकर जनता का विकास किया। 6 साल में यूपी दंगा मुक्त हुआ है। डबल इंजन की सरकार से यूपी का विकास हुआ है और यूपी से परिवारवाद और भ्रष्टाचार खत्म किया है। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं। मुझे अयोग्य करके आवाज बंद नहीं कर सकते। मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। संसद में मुझे जवाब देने तक का मौका नहीं मिला। सवाल पूछना मेरी तपस्या है, मैं पूछता रहूंगा। मैं देश की कानून व्यवस्था का सम्मान करता हूं। मैं जनता के बीच रहूंगा और यही मेरा काम है। मेरे अगले भाषण से डरकर अयोग्य किया गया है। मेरे वायनाड की जनता के साथ में खास लगाव है और मुझे सिर्फ सच्चाई से मतलब है और मेरे खून में ये है। समर्थन के लिए सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद। मेरा नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है, और गांधी कभी माफी नहीं मांगता है। ये ध्यान भटकाने के लिए OBC की बात करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि सब एक हैं, समान हैं।
तो कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि ये ध्यान भटकाने के लिए ऐसा जरूर बोलते हैं लेकिन मेरे लिए हर कोई समान है। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा आलोचना और गाली में फर्क होता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। राहुल के माफी नहीं मांगने पर सजा सुनाई गई। पहले भी 32 लोगों की सदस्यता गई। कांग्रेस ने ऊपरी कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी? कांग्रेस ने कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश क्यों नहीं की? कांग्रेस के बड़े वकील चुप क्यों हैं? राहुल गांधी ने झूठ बोला है, ये सब कर्नाटक चुनाव में फायदा लेने की कोशिश है। देश भर में राहुल के खिलाफ प्रदर्शन भाजपा करेगी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म, 1978 का दोहराव हो रहा है। दिसंबर 1978 में संसद में अयोग्य घोषित की गई थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 6 दिन जेल में रही जिससे फिर कांग्रेस उठ खड़ी हुई। उस समय थी मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार। इस समय केंद्र में भाजपा की अब तक की सबसे मजबूत सरकार है। क्या 2023 में 1978 की पुनरावृत्ति कर सकते हैं राहुल गांधी? आज ना तो 1978 की कांग्रेस है और ना ही तब की जनता पार्टी। फिर भी ये भूलना नहीं चाहिए कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कर्नाटक सरकार ने खत्म किया मुसलमानों का 4% आरक्षण। कर्नाटक में मुस्लिमों को 2B श्रेणी में आरक्षण खत्म कर दिया गया है। अब मुस्लिम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में शामिल। वोक्कलिंगा और लिंगायत समुदाय में 4% आरक्षण बटेगा। कर्नाटक सरकार के फैसले को केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। बिहार के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा बिहार में अब खत्म हो रहा महागठबंधन का असर। 2024 में बिहार की सभी लोकसभा सीटें भाजपा जीतेगी। भाजपा ने जातीय समीकरण देखते हुए चौधरी की नियुक्ति की। चौधरी के कारण कुशवाहा समाज भाजपा से जुड़ने की संभावना है। परंपरागत रूप से नीतीश कुमार की JDU के साथ है कुशवाहा। बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष हैं सम्राट चौधरी। 27 मार्च को दिल्ली में नहीं होगी कांग्रेस की रैली। राहुल गांधी के समर्थन में रैली का कार्यक्रम प्रस्तावित था। फिलहाल 27 मार्च की रैली स्थगित की गई है। अब नए सिरे से तय होगा रैली का कार्यक्रम। राजस्थान के मंत्री, विधायक, नेता, कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचने का संदेश इन सभी को दिया गया था। अब नई तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस की रैली होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश की 900 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे पशु चिकित्सा उपकेंद्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपकेंद्र खोलने की मंजूरी दी। संचालन के लिए नवीन पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की। प्रत्येक उपकेंद्र में एक पशुधन सहायक और एक जल भारी रहेगा। कुल 1800 पद सृजित किए गए। मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में नवगठित 1200 ग्राम पंचायतों, 1439 पुरानी ग्राम पंचायतों में उपकेंद्र खोलने की घोषणा की थी। केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा है। पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के DA में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद DA 38% से बढ़ाकर 42% किया गया। जनवरी 2023 से बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी 27 मार्च को करेंगे पदभार ग्रहण। दोपहर 12:15 बजे पदभार ग्रहण करेंगे CP जोशी। प्रदेश स्तर के समस्त वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। भाजपा मुख्यालय पर तैयारियां हो गई हैं, तैयारियों की बैठक हो गई है। प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, संगठन महामंत्री
चंद्रशेखर मौजूद रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज का झटका, विधानसभा स्थगित होते ही फ्यूल सरचार्ज का करंट। अप्रैल में बढ़ेगा बिजली बिल 31 पैसे यूनिट का भार, जनता से वसूलेंगे 562 करोड़। प्रति उपभोक्ता के बिल में 150 से 600 रुपए का भार आएगा। दिसंबर 2018 के अनुपात में आज का बिल 125 से 175 रुपए तक बढ़ा है। इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजे बने जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीजे बने जस्टिस रमेश सिन्हा। पटना हाईकोर्ट के सीजे बने जस्टिस के विनोद चंद्रन। नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 फरवरी को केंद्र को भेजी थी नियुक्ति की सिफारिश। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन आज अजमेर पहुंची। अजमेर के मदार स्टेशन पर ठहराव किया गया। मदार स्थित यार्ड में खड़ी की गई वंदे भारत ट्रेन 28 मार्च को किया जाएगा अजमेर से दिल्ली तक का स्पीड ट्रायल। पहले वंदे भारत ट्रेन थी जयपुर तक के लिए प्रस्तावित, लेकिन अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के प्रयासों से दिल्ली से अजमेर तक इसे किया गया है और अब अप्रैल से शुरू होगा इस ट्रेन का संचालन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023। चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी। कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कनकपुरा से डीके शिवकुमार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, तो वरुणा से पूर्व सीएम सिद्धारमैया को टिकट मिला है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।